धन्यवाद देता हूं अर्जुन सिंह का। जगदल टाउन तृणमूल कांग्रेस के युवा सभापति अमित साव के नेतृत्व में लॉकडाउन या उसके बाद अम्फान तूफान के दौरान क्षतिग्रस्त लोगों को भी खाना परोस रहा है जनता किचन। यहां हर दिन कोई ना कोई राजनीतिक व्यक्तित्व आकर बढ़ाते रहे अमित साव का मनोबल। और इसके 53वें दिन यहां विशेषकर उपस्थित हुए थे बैरकपुर तृणमूल कांग्रेस के पर्यवेक्षक सुबोध अधिकारी। इस दिन जनता किचन के मुखिया अमित साव तथा एक अन्य नेता मन्नू साव से हमारी खास बातचीत। संचय का अर्थ केवल यही नहीं है कि पैसे बचाए जाए, संचय का अर्थ होता है पैसों से लोगों की जिंदगियां बचाई जाए। और इसी उद्देश्य से पिछले 53 दिन से देखा जा रहा है भाटपाड़ा इलाके में चल रहा है जनता किचन। और इस जनता किचन के उद्योग अमित साव जी, अमित साव जगदल यूथ तृणमूल कांग्रेस के सभापति है। जनता के साथ लोगों के लिए काम करने का लंबा उनके पास एक तजुर्बा है। इसी तजुर्बे को उन्होंने आज नियोजित किया है आम इंसानों के लिए। और इसी का नतीजा है लगातार 53 दिन से जारी जनता किचन। हम लोग तृणमूल कांग्रेस के जितने नेतृत्व हैं, हमारे सोमनाथ श्याम जी हैं, हमारे गोपाल राव जी हैं, मनु साव जी हैं, जीतू साव जी है, तथा जितने भी हमारे नेतृत्व है सभी का नाम नहीं गिना पाऊंगा, पर सभी को हमको मानसिक सपोर्ट हमेशा करते हैं। कहीं से आर्थिक सहयोग था? देखिए, आर्थिक सहयोग था हम लोग अभी तक तो किसी से नहीं लिए हैं। बहुत से विरोधी मुझे बोलते हैं, पर कोई भी ऐसा कोई है जिससे प्रूव नहीं किया पाएगा कि मैं किसी से आर्थिक सहयोग या किसी से जबरदस्ती कोई मतलब हेल्प मांगा। ये किचन जनता के लिए है। और हमारी मिनिस्ट्री मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और हमारे नेता अभिषेक बनर्जी हमको यही सिखाते हैं कि जब तक हम लोग सेवा कर पाएंगे, माँ माटी मानुष की सेवा कर पाएंगे तब तक करें। पार्टी हमारे साथ है, हमारे भाटपाड़ा के सभी नेता हम लोग के साथ है, सभी लोग मेरी सहायता करने के लिए बोले हैं, पर आर्थिक हम मदद किसी से नहीं लेंगे। हर लोग हमारे किचन में आप देखेंगे, हर हमारे तृणमूल कांग्रेस के नेता सभी आते हैं। अच्छा लगता है कि कम से कम डेली क्या कभी ना कभी पैसा भगवान के दया से सभी लोग कमाते हैं। आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा है, हुआ स्पेन हुआ इटली हुआ, ठीक है, पैसे से हम लोग से काफी आगे हैं। आगे देखिए विदेशों में लोग घर से पैसे को फेंक रहे हैं, पैसे को बाहर खिड़की से आप देखिएगा, एक वीडियो मेरे पास आया था, उसको लोग फेंक रहे हैं। यदि उस हमारे जो संचय के पैसे हो यदि उसको लोगों के काम में नहीं लगाया जाए या लोगों को नहीं बचाया जाए उस पैसे को, तो वो पैसा मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता है। आज जिस तरह हमारे भाटपाड़ा के लोग, भाटपाड़ा एक मील चटकल इलाका है, वहाँ पे लोग रोजमर्रा की कमाई करते कमाई करते हैं और रोज खाते हैं। यदि हम लोग जैसे लोग आगे नहीं आए समाज में तो उन लोगों का क्या होगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे सभी तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व को कि आज अपने अपने इलाकों में लोगों की सेवा के लिए वो लोग तत्पर रहते हैं। और आज हमारा समाज कोई भी ऐसा नहीं बोल पाएगा कोई भूखा सो रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हमारे युवा नेता अभिषेक बनर्जी का, और साथ ही साथ हमारे पार्थ भौमिक जी का, और हमारे नेता जो आज आए थे सुबोध अधिकारी जी, उन लोगों के आने से उन लोगों के प्रेरणा से हम लोग इतना खुश होते हैं कि और मजबूती मिलता है कि हम लोग लोगों की और सेवा कर पाए। और आज आप लोग यहाँ मौजूद है और आप लोग के बीच में मौजूद थे आप लोगों के कद्दावर नेता बैरकपुर के ऑब्जर्वर सुबोध अधिकारी, तो क्या बोलेंगे इस विषय में? सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा, बहुत सारे कीमती टाइम इतने बड़े नेता इतने बड़े हमारे लीडर होते हुए हम लोगों के बीच में अमित साहब, हम लोगों का एक ही लक्ष्य जब से लॉकडाउन हुआ चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हम लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। इसलिए खड़े हुए हैं कि हालात सभी का खराब है क्योंकि सारे चीज बंद है, आज लोग खाने बिना त्राही त्राही है। तो पहले तो हम लोग समाज डोर टू डोर पहुंचाए हैं, इसके बाद अमित जी हमारा सीनियर लीडर है जगदल टाउन का, इनके नेतृत्व में यहाँ पर जो लोग खाना नहीं बनाने सक रहे हैं उनको ये खाना बनाकर उनके पास खाना पहुंचा रहे हैं ताकि वो बिना खाए नहीं सोए, इनका यही एक लक्ष्य है। ये लक्ष्य के लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं तहे दिल से। सबसे बड़ी बात है कि अमित जी जब से चला रहे हैं तब से हम लोग पर डे आ रहे हैं अमित जी के, तो हम बोल रहे हैं कम से कम हमें भी अपने योगदान में शामिल कीजिए। लेकिन अमित जी हैं वो बोलते हैं कि जब हमको लगेगा हम आपसे जरूर लेंगे, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं अमित जी का। विनय निवेदन करता हूं कि आप इसको बंद मत कीजिएगा, जब तक लॉकडाउन है आप घबराए नहीं। आप कि इन्होंने अकेले दम पर आज तक पूरे टीम अपना अपने टीम मिलाकर आज तक जो कर रहे हैं
ये बहुत ही तारीफ के काबिल है। हम इन्हें तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जिस तरीका से हम अपने 10 नंबर गली में चलाते हैं उसी तरीका से सेम अमित जी भी चला रहे हैं। कभी भी किसी के पास अभी तक बोले नहीं है, अपने दम से ही आज तक 53 दिन चलाए हैं। धन्यवाद देता हूं अर्जुन सिंह का कि जो आपको इतना मने मुसीबत में लोग हैं और आप उनका साथ नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। इसीलिए दुख के लिए ही मैं उनको धन्यवाद देता हूं। पूरे भाटपाड़ा में जीत देखा गया था। इस 53 दिन के दौरान पूर्ण रूप से पूर्ण सक्रियता और पूर्ण लगन से जनता का सेवा, और इसी सेवा के कारण इसी सेवा के बदौलत ही जो है यहाँ के जनता यहाँ के लोग चैन की नींद सो रहे हैं, और वो भी भर पेट। वो भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं सो रहा होगा जो खाली पेट होगा। भाटपाड़ा से कैमरा पर्सन के साथ मैं राजीव गुप्ता, आप देख रहे हैं 24 घंटा लाइव, देखते रहिए।